नमस्कार दोस्त। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रही सियासी उठापटक मतगणना के बाद भी जारी है। इन तीनों ही राज्यों में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक राज्य के नए सीएम के नाम का ऐलान पार्टी नहीं कर सकी है। बीजेपी की तरफ से सीएम की रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड को करना है, जो अभी तक नाम तय नहीं कर पाया है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती राजस्थान में है। यहाँ पूर्व सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के समर्थक लगातार उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है। पिछले दो दिनों में कई विधायक उनसे जाकर मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। दिल्ली रवाना होने के दौरान उन्होंने कहा कि वो अपनी बहू को देखने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे आज पार्टी के आलाकमान से मुलाकात कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं। ये विधायक लगातार उनसे मिल रहे हैं। ऐसे में चर्चा है कि अगर पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाती तो ये विधायक बागी हो सकते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे ने बुधवार रात ये स्पष्ट किया कि वो पार्टी विरोधी कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए पार्टी सबसे ऊपर है। बहरहाल वसुंधरा राजे के अलावा भी सीएम पद को लेकर कुछ बड़े नामों की चर्चा हो रही है। उन नामों में सबसे पहला नंबर आता है दिया कुमारी का। वसुंधरा राजे को अगर हटा दें तो उनकी गैर हाजिरी में चुनाव के समय से ही दिया कुमारी को सीएम का दावेदार माना जा रहा है। वसुंधरा राजे की तरह ही दिया कुमारी भी राजघराने से आती हैं, पार्टी आलाकमान से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। दिया कुमारी इसलिए भी वसुंधरा राजे का पहला और मजबूत विकल्प लगती हैं क्योंकि वो राजकुमारी हैं और उन्हें महारानी से रिप्लेस करना आसान होगा। दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ का। तिजारा विधानसभा पर जीत दर्ज करने से पहले बाबा बालकनाथ अलवर के सांसद थे। राजस्थान के सीएम की रेस में इनका नाम भी आगे चल रहा है। बाबा बालकनाथ ओबीसी हैं और यादव समुदाय से आते हैं, इसलिए भी पार्टी इन्हें मौका दे सकती है। तीसरा बड़ा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत। ये वर्तमान में केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। एक तरफ जहां इनके केंद्र में और पार्टी के शीर्ष नेताओं में अच्छे संबंध माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन्हें वसुंधरा राजे का विरोधी माना जाता है। फिलहाल सीएम की रेस में इनका भी नाम चल रहा है। इन नामों के अलावा अर्जुन मेघवाल के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। अर्जुन मेघवाल भी सीएम पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, केंद्र के नेताओं से भी इनके अच्छे संबंध। बहरहाल तीन राज्यों के सीएम तय करने के लिए अमित शाह और पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि मुहर के नामों पर लगी है, ये राज फिलहाल एक बंद कमरे में कैद है। नमस्कार।